परसत मौजूद हैं मकसूद साहब अल मारूफ मकसूद चपड़ासी। आई प्रोटेस्ट जनाब, मैं एहतजाज करता हूँ उस फ्लोर पे। आपने मेरे साथ एक क्रिमिनल को बिठाया हुआ है, उस क्रिमिनल ने जिसने मुल्क को कौम को चूना लगाया है। अच्छा, यही बात वो कह रहा होगा। होगा नहीं, सानू कह रहे ऐसी बात। उस मियां साहब टेंशन नहीं लेनी, इजी हो जाओ। और मियां साहब इधर ही है। साहब मियां इधर है, बैठो मियां साहब। अच्छा जी, ये मकसूद चपड़ासी है कौन, आप जानते हैं? सर सुना है कि इनके अकाउंट में कोई करोड़ों रुपया निकला है। करोड़ों रुपया? ज्यादा है। ये रमजान शुगर मिल के एम्प्लॉय थे। रमजान शुगर मिल किसकी है? मियां साहब दी है। हाँ मियां साहब दी, मियां साहब दी। जी मियां साहब, आप कौन है? तुसी वड़ाया चो? तो ये कोई बात है करने वाली? सर मैं तो नहीं गया, और टीरे ने गया। तमीज कर, मैं तो दस तमीज कर। उसने क्यों मार रहे हो? और मेरे मार रहे हो? मुझे पढ़नी चाहिए, मुझे पढ़नी चाहिए। किसी को ना मारे यार ये ना। और सच्ची बताऊं, मैं इसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेके आया हूं। बड़ी बड़ी जोर जोर की पछत। मकसूद साहब मेरी बात सुनो, आपके अकाउंट से कितने पैसे निकले? 4 लाख निकले सर, 4 लाख। अच्छा, यहाँ पर यमला बनने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 4 लाख नहीं है, 4 करोड़ है पुत्र। 4 करोड़ भी नहीं है, अल्लाह 4 अरब रुपया निकला है इसके अकाउंट में। भाईजान, जिसके अकाउंट से निकला है उसी को पकड़े, उसी को पकड़े। ओए हिसाब दे, हिसाब दे, हिसाब। यार अकाउंट आपने बनाया था? यार मैंने नहीं पता, कसम चुका ले मैंने नहीं पता। यानी आपका अकाउंट बना लिया गया और आपको पता ही नहीं? सर जी मुझसे तो आईडी कार्ड लिया था इनके आदमियों ने। आपके आदमियों ने इनसे आईडी कार्ड लिया था? कड़े आदमी ना, मैं नहीं पता किसे था। आप तो इसे भी डिसओन करेंगे कि आपका चपड़ासी है। नहीं नहीं, मैं इसको नहीं जानता, अलबत्त मुझे इतना पता है कि ये एक करप्ट आदमी है। और आप मुझे बताएं, 4 अरब रुपया कोई चपड़ासी जोड़ सकता है? आप सच्ची दिल पे हाथ रखे, दिल पे हाथ रख के बताएं। नहीं वाकई ठीक कह रहे हैं, 4 अरब रुपया तो चीफ मिनिस्टर नहीं जोड़ सकता, और साढ़े वाला तो बिल्कुल नहीं जोड़ सकता। साढ़े वाला कड़ा मौजूदा है इस टाइम, वो यकीन कर 4000 नहीं जोड़ सकता। मैं कहना 400 नहीं जोड़ सकता। एड्डा नलायक वजीर का मैं नहीं देखा डॉक्टर साहब। अच्छा, जो करप्शन ना करे वो नलायक है। अच्छा चुको कसम, करप्शन नहीं करता वो। भाई मैंने कब कहा है कि वो करप्शन नहीं करता? फिर मनो के वो करप्शन करता है। मैंने ये भी नहीं कहा कि वो करप्शन करता। यार वो की करता? यार तू कड़ी आत्मा करता भाई। भाई जब तक साबित ना हो जाए तब तक मैं नहीं कह सकता। तो मेरा कैसे साबित हो? साबित तो भी होना है, आप पर जो इल्जाम हैं। जनाब एक चपरासी चुक के ले आए हो तो कहते हो कि करप्ट है। एक नहीं, मैं तो पलंदे सामने लेके अच्छा, बैठा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो मकसूद है ना? नूर मोहम्मद ही होएगा। अब्दुल जब्बार जी। अच्छा अब्दुल जब्बार साहब यहाँ आ गए। अब्दुल जब्बार ने पता क्या कहा? उसने क्या कह दिया? वो कहता है कि मैं अंग्रेजी में साइन भी नहीं कर सकता, मेरा अकाउंट जो खुला है और ऑपरेट हो रहा है मेरे अंग्रेजी सिग्नेचर्स के साथ कोई करता है। ऐसे ही कौन माहिर रखा हुआ है आपने? मुबैना तौर पे आपने इस तरह बात करके दरअसल हमारी इज्जत बचा ली। बात यह है जनाब, सिवाय प्रोपेगेंडे के और कुछ भी नहीं है। न्याजी हमसे बदला ले रहा है, ये दीवार से लगाया जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। न्याजी आपसे क्यों बदला लेगा? दरअसल हमने इसको प्लॉट नहीं दिया था, ये आया था हमारे पास। डॉक्टर साहब माशाल्लाह क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास आया। आके कहता है कि मुझे प्लॉट दो, मेरे पास घर कोई नहीं। अच्छा। मेरा हालात बहुत बुरे हैं। खान साहब? हाँ जी ए खान साहब। खान साहब गरीब भी सन? तरकी पता, ये बाहरें अब आई हैं, अब आई हैं, अब आई हैं। खान साहब के अंदर बहुत सी कमजोरियां थीं। सारियां दसो ना, केड़ियां केड़ियां? हाँ मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर उन्होंने आपसे प्लॉट मांगा था बिल्कुल, तो हो सकता है वो कमजोर लम्हा हो उनकी जिंदगी का, लेकिन ये देखें कि उस वक्त ही वॉज जस्ट अ स्पोर्ट्समैन, आपके मुल्क की खिदमत कर रहा था और उसके नाम पे वाकई घर नहीं था। अगर उसने आपसे कनाल, 2 कनाल 4 कनाल मांग लिया है, यहां पर 100-100 कनाल लेकर लोग हजम कर गए। ये भी सारे से पा दियो। आप तो खैर हजार हजार बल्कि कई हजार कनाल हजम कर गए हुए हैं। यार चलो यार, मैं अब 1 मिनट। अच्छा, एक सेकंड यहां पर नहीं रुक सकता। चलो चले, आप जाएं, आप जाएं प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। हम मकसूद के साथ बात करते हैं। नहीं मकसूद मेरे नाल चलेगा। मकसूद खबरदार, जो तू गल की थी कोई गल सुन, मेरे नाल आ जा। सर जी ये क्या, कोई इतबार नहीं है, मैं थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ। ठीक है थोड़ी देर। अभी तो आप डिसओन कर रहे थे कि क्रिमिनल के साथ बिठा दिए, आप साथ लेके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये समा हो रहा है। लाइटा मदम हो गई।
माहौल रोमांटिक जो हो गया जी। डॉक्टर साहबा माहौलियात पर मजीद अच्छा असर डालिए। मियां साहब मैंने आपसे एक सवाल किया सीरियस, उसका मेरी अखा भी ठीक होने लगी है जी। क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं समझ। भाई तुसी दो मिनट चुप रहा करो, जो बोलते हो लाइटा तेज हो जाए पर डिग पे कैमरे हैंडसअप हो जाते। वैसे मैं हैरान हो रही हूँ एक बात पे कि ये जो आपके साथ खड़े हैं आपने इनके अकाउंट्स में क्यों अरबों रुपए नहीं डाले? क्यों भाई? सर मेरी गल नहीं हो रही है। और किसकी हो रही है? टीना की गल हो रही है। ये क्या है? एक ही बात है, आपका अकाउंट है या उसका अकाउंट है? बात तो एक ही है। सर मेरा एक सवाल है जनाब, ये कोई पहला वाकया नहीं है, हम इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि 4 अरब रुपया ये पहली दफा सामने आया। तो सिंध में जो हुआ था 2 अरब 3 वो नहीं, वो तो अलग ऐलान कहते हैं कि भाई जाओ पकड़ लो, मैंने तो नहीं उसके अकाउंट में डाले ना। साबित ये करो कि मैंने इसके अकाउंट में डाले। वैसे गल ठीक है कि जनाब पैकेज ने की थी जिसे आपने ड्रैग करना था, घसीटना था सड़कों पे, टोटल 16 अरब रुपया है जो लॉन्डर किया गया है। और इसी तरह बेनामी अकाउंट्स, यानी अरबों रुपया इधर से अरबों रुपया वो सिंध वाले भाई साहब का। और तुम इस मुल्क के साथ करते क्या रहे हो? सर ये सिलसिला कब से चल रहा था? ये 17,000 ट्रांजेक्शन है रमजान शुगर मिल्स की, जिनमें से 12,000 सारे के सारे यही बेनामी अकाउंट्स हैं। और सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं आता, वो इन्हीं के बंदे हैं जो करवा रहे हैं। और क्या, जाहिर है नियाजी ने तो नहीं किया होगा ना ये सारा कुछ। अच्छा वैसे आप पर मियां साहब बजाहिर बुरे दिन आ रहे हैं, अब वैसे बुरे दिन तो आप पर 2016 से आने शुरू हो गए थे, मामला शुरू हुआ और फिर डोमिनो इफेक्ट के तहत जी जी आज नौबत यहां तक पहुंच गई है। लेकिन ये पेस अब एक्सेलरेट हो रही है बजाहिर यही लगता है। और अगर साबित हो गया तो सजा वजा को छोड़ें आप ना अहल हो जाएंगे। सर सुनने में आया कि इनका एक और एम्प्लॉय भी था जिसका मरने के बाद भी अकाउंट चलता रहा। जी 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 गुलजार, वो तो बड़ा बड़ा नगमा निगार नहीं सी, फौत हो गए ना। अल्लाह जा करे वो एक लड़की को देखा तो बहुत जावेद अख्तर है कोई फोटो। यार ओ यार दोवें जिंदे की हो गया तनु। ये गुलजार इनका मुलाजिम था जिसका अकाउंट था करोड़ों का, जो उसके मरने के बाद भी चलता रहा जी। एक फिल्म थी मोहम्मद अली की, चिराग जलता रहा, सही ये होनी चाहिए अकाउंट चलता रहा। मन भी जानी जे। और मेरा ख्याल मोहम्मद अली की पहली फिल्म थी। साढ़े भी पहली लगती है। हाँ जी गुलजार भी चपरासी सी। यार वो गुलजार और तो पागल तो नहीं हो? नहीं मेरा ख्याल है राखी ने तो धोखा की। यार दुनिया में सिर्फ एक ही गुलजार है। एक गुलजार था जहान में क्या। वाह अंजुम रोमानी का स्टाइल है ये, जॉन एलियन नहीं है। एक ही शख्स था जहान में क्या, ये दरअसल जमीन है अंजुम रोमानी की। दिल से उठता है सुबह शाम धुआं, कोई रहता है इस मकान में मकान क्या। अंजुम रोमानी पहले कह गए थे क्या, उधर करप्शन के पहाड़ टूट रहे, अपने फरंगे आसपिया शुरू कर लिए। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देता चलो जरा जी, ये बेनामी अकाउंटों में मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। ना 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 चले द ज्यूरी स्टिल आउट। आप जमानती भी तो थे ना नवाज शरीफ के, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक तो मियां साहब तुसी पंगे भी तो बहुत लाए। आपने जमानत नहीं दी थी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हो मेरा क्या कसूर है क्यों जनाब? सर असल में ऐसा है कि साहब ने बड़े भाई के लिए जमानती मचलकों पे दस्तखत किए थे, जमानती बने थे। इनका काम था मरीज के बारे में रिपोर्ट देना, यानी मंथली वीकली बेसिस पर कि हेल्थ प्रोग्रेस क्या है। एक होता है ना हेल्थ बुलेटिन, जी जी ही वाज सपोज्ड टू सबमिट दैट कि जनाब ये साथ साथ हो रहा है। अफताब साहब ए मेरे को सुस्ती हुई है। चलो शुक्र आपने माना तो सही। क्यों हुई है भी दसो? इसलिए कि आपका ख्याल था आंख ओझल पहाड़ ओझल। हाँ जी मियां साहब निकल गए, साहब निकल जैसे जद्दे गए थे। किसने सही किया सी? मियां साहब आज की ना जद्दे नहीं जान गए। यार बात सुनो प्लीज। बड़े यार अल्लाह की किस्म ना लाफ्टर आवे तां गल कर। मुझे लाफ्टर नहीं
होर आगा साहब माशाल्लाह की कहन गए सी सर, हुकूमत सारी फॉर्मेलिटीज अब पूरी कर रही है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस दायर होने जा रहा है, जो जमानती है उसको रगड़ा दिया जाएगा, नवाज शरीफ साहब जो है वो बीमार नहीं है। मियां साहब तो डील हो रही है वो तो दसो इन्हें डील वैसे कौन सी? ओ यार डील दी गल्लां ते हो रही ने, वो कौन बदनसीब है जो आपको इन हालात में डील देगा? सर सियासी खामोशी की वजह है, देखे ना हर तरफ खामोशी, स्वयंवर का माहौल है कि आप भी खामोश, जरदारी साहब भी खामोश, सेनेट में अपोजिशन लीडर ने इस्तीफा दे दिया कि भाई मेरे हाथ खड़े हुए, एन उस दिन वो किसी जगह अफसोस करने चले गए कि जी मुझे तो इंटीमेशन ही रस्ते में हुई है, मैं तो आ ही नहीं सकता। वाह 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 वाह, मैं एक ही बात करूंगा, व्हाट अ कंट्री। सर लोग अब कह रहे हैं कि हुकूमत को तब्दील नहीं करना, अपोजिशन को तब्दील किया जाना चाहिए। अपोजिशन ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगी, बड़े साहब हयात नाहल हो चुके हैं जी, उनकी साहबजादी के ऊपर भी केस है 10 साल का, उनका भी मामला है जी, ये भी जाएंगे तो लंबे ही जाएंगे, अल्लाह ना करे। यूसुफ रजा गिलानी मुस्ताफी हो चुके हैं जी, तो फिर पीछे अपोजिशन में रह कौन गया? राणा सनाउल्ला। सर राणा साहब का भी सुन ले जी, उनके ऊपर भी एन मुमकिन है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए। हाँ ये तो हम भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन इट्स टू लेट नाउ। नहीं साउथ पंजाब में तो हलचल है बहुत। क्या जी? सर नवाब अब बहावलपुर पीटीआई में शामिल जी, ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है जी, और मेरा ख्याल है कि अगला इलेक्शन गिवन सर्कमस्टेंसेस को अगर देखा जाए तो पीटीआई अगली टर्म में ये 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे, और 2/3 अक्सरियत का मतलब पता क्या है? दुनिया मुल्तानी तुम्हारा सूबा, मतलब हमारा सूबा में मिल जाएगा जी, इंशाल्लाह मिलेगा सूबा, जब भी मिलेगा यहां से मिलेगा सूबा। अगर आपने देना होता तो 32 साल में हमें ना दे देते, तो आप 97 का इलेक्शन 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत थी। बिल्कुल ऐसे। और सर सूबे के मामले में सिर्फ और सिर्फ नून लीग खामोश है, नून लीग को सूट नहीं करता ना, क्योंकि फिर इतना छोटा सा पंजाब उसके बल पर इन्हें इतना कुछ नहीं मिलेगा। मुझे एक बात बताएं जी, ये साजिश नहीं तो क्या है? साजिश नहीं है ये, यकीन कीजिए ये मशीयत है, और ये मशीयत इज्दी है, अल्लाह को मंजूर यही था। आपको तो ये भी नहीं पता कि आप अल्लाह की पकड़ में आए हुए मियां साहब? मियां साहब तुझे तौबा क्यों नहीं कर लेंगे? मैं तो सुबह शाम कर रहा हूं तौबा। क्या किए? ऐ पिछले कम ने यार, और ए सारा कुछ मेरे खाते पाया जा रहा है। भाई एक बात सुने, रमजान शुक्र मिल सिर्फ मेरी है। अच्छा चले आप, नहीं यार, अगर अगर ये बात आपने करनी है तो आई एम रेडी, एक डायलॉग तो खोले ना, गुफ्तगू करें। नहीं 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 कोई डायलॉग नहीं जनाब, मैं तो ऐसी बात कर रहा था। ना 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 दोस्तों, ना बड़े बिरादरी है बीच। ना ना वो नहीं है मियां साहब, हमें सुन रहे लाइव है जी जी, लाइव है। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਆ ਖੱਜੇ ਹੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ। ਪਾਓ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਸ ਹੇਅਰ ਕੀ ਹਾਲ ਜਨਾਬ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਇਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ आज नू लीग का नाम निशान ना हो। यहाँ मेरी भी गलती। वो तू बकवास मत कर। हाँ अच्छा। और ये 4 अरब जेड़ा ना जी। मैं उनकी तो फिर भी नहीं करूँगा। अच्छा मेरी गलती। बात करने। 4 अरब बात करवा क्या? हाँ जी। इतने आओ। ओए छोटे कद्दे खोते।